Hello and welcome to English e-learning. We are doing a series on vocabulary building. Now what is vocabulary? Vocabulary kya hoti hai? Vocabulary hamara word power hai. Koi bhi language seekhne se pehle, koi bhi bhasha seekhne se pehle, uske shabd malum hone bahut zaruri hote hain. Jitne zyada shabd aapko malum honge, utni aapki language strong hoti jayegi. So word power increase kaise kare? वर्ड पावर को इंक्रीज करना बहुत आसान है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. दो चीज़ें आपको करनी हैं. एक तो सुनना है बहुत ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू आर लिसनिंग, वेदर ऑन टेलीविजन, या आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, किसी की स्पीच सुन रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिशन में आप देख रहे हैं कि एलोक्यूशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो वहाँ अगर अंग्रेजी में या इंग्लिश में बोला जा रहा है तो आप ध्यान से सुनिए. सुनने से क्या होता है, आपके कान में बहुत सारे नए नए शब्द पड़ते हैं, और उन नए शब्दों में से कुछ तो आप जरूर लिखते जाइए कि हाँ मैंने आज ये नया शब्द सुना है, तो मेरे को तो मीनिंग मालूम नहीं है, मैं घर जाके डिक्शनरी में देखूँगा. तो सुनने का काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है. दूसरा, अगर आप सुन रहे हैं और आप लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड. अगर आप सुन नहीं रहे हैं लेकिन आप कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, या इंटरनेट साइट्स पे आप जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे. अब उन शब्दों को क्या करना है, उन शब्दों में से पांच पांच शब्द रोज के आप अपने डायरी में लिखते जाइए. जब आप नए नए शब्द लिखेंगे तो आपको लगेगा कि अब इसके मीनिंग भी तो मालूम होने चाहिए, सिर्फ शब्द मालूम हो के क्या फ़ायदा है. तो आप डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी में से आप मीनिंग देखेंगे, और इससे क्या होगा, आपके जो वर्ड पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ वर्ड्स आपके डायरी में बढ़ते जाएंगे. सो सुनना और लिखना ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे वोकैबलरी को बिल्ड करने के लिए. सो वोकैबलरी बिल्ड करने के लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिनमें आज हम एडजेक्टिव्स की बात करने वाले हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स एक्चुअली आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. किसी चीज़ को डिस्क्राइब जो करता है वर्ड, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. हिंदी में उसको कहते हैं विशेषण. तो किसी भी संज्ञा को डिस्क्राइब करना हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना हो, तो जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. सो ऐसे एडजेक्टिव्स बहुत प्रकार के होते हैं, जो फीलिंग्स को दर्शाते हैं, अपीयरेंस को दर्शाते हैं, आवाज़ को दर्शाते हैं, टाइम को दर्शाते हैं, पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, और अपने इमोशंस या फीलिंग्स को दर्शाते हैं. इमोशंस क्या होते हैं? हमारी भावना को दर्शाते हैं, अंदर के इमोशंस को दर्शाते हैं. तो आज हम हाईलाइट कर रहे हैं 10 ऐसे शब्द जो आपके इमोशंस दिखाता है, जो आपके फीलिंग्स को दिखाता है. आपके फीलिंग्स जो अंदर होती हैं वो आपके चेहरे पे दिख जाती हैं, और इससे हमें मालूम चलता है कि वेदर आप बहुत एक्साइटेड हैं, या आप कन्फ्यूज हैं, या आप डरे हुए हैं. तो इस तरह के जो इमोशंस हमें दिखते हैं, बाहर के आदमी को दिखते हैं, वो इसलिए कि आपके अंदर की भावना वैसे आ रही है. तो आज हम 10 शब्द सीखने वाले हैं जो आपके इमोशंस को दर्शाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला शब्द एंथुसियास्टिक, एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मींस बहुत ज़्यादा, किसी में इतना ज़्यादा स्फूर्ति होती है, कुछ भी काम करने के लिए आप कह दो यस आई विल डू इट, तो इतना एंथुसियाज्म होता है. कोई नए काम को किसी को करना है, अगर आप चॉइस दें, ऑप्शन दें, तो बहुत कम लोग ऐसे बाहर आते हैं कि हाँ मैं करूँगा. तो उसमें क्या दिखता है, उनका एंथुसियाज्म दिखता है. सो ही हैज़ अ वेरी एंथुसियास्ट, ही इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन. अगर मैं किसी के लिए ऐसा बोल रही हूँ तो मुझे उसके इमोशंस दिखते हैं कि हाँ वो अंदर से इच्छा रखता है नया सीखने का, कोई भी काम करने का, डरता नहीं है. सो एंथुसियास्टिक पर्सन, जो हमेशा रेडी रहता है काम करने के लिए या कुछ भी और करने के लिए. सो ही इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन. इफ यू टेल हिम समथिंग ही इज़ ऑलवेज रेडी टू डू इट. So this is how I can tell one emotion of a person. So दूसरा शब्द है nervous. ये तो आपको सबको emotions आते ही हैं. हम किसी की भी बात करें, कोई भी कुछ काम करने से पहले थोड़ा डर लगता है, थोड़ा nervousness आती है. Students को तो हमेशा exam से पहले बहुत nervousness होती है, अंदर से जो feeling रहती है कि बाप रे exam देना है. कोई interview के लिए जा रहा है तो भी पेट में कुछ कुछ होता है, that is called nervousness. कोई मैं इंटरव्यू जा रही हूँ या मैं कोई काम पहले बार करने जा रही हूँ तो बहुत डर लगता है. अगर आप वक्ता हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं, किसी कोई स्पीच देने जा रहे हैं, कितना भी आदमी एक्सपीरियंस्ड हो, ये नर्वसनेस आती ही है. सो नर्वसनेस क्या दिखाता है?
ये नर्वस जो अंदर से एक फीलिंग आती है, इमोशन आती है डर की, थोड़ी से डर की, ये डर फियर नहीं है, ये डर मैं कैसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये जो सोचते हैं उसको कहते हैं नर्वसनेस. सो डोंट बिकम नर्वस बिफोर द एग्जाम, बी रिमेन काम. अगर मैं ऐसे कह रही हूँ तो जो नर्वसनेस है, डर है अंदर का, कुछ सब निकाल दो, आराम से शांत रहो, तो आप अपना काम या अपने एग्जाम आराम से कर सकते हो. तो ये नर्वस जो फीलिंग है, ये सबको अनुभव होती है और सबको मालूम है कि नर्वसनेस होता क्या है. सो नर्वस इज अ शोइंग एन इमोशनल बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, कि वो उस बंदे को या उस आदमी को नर्वसनेस हो रही है, या तो फिर वो कोई नया काम करने जा रहा है या कोई एग्जाम देने जा रहा है. तीसरा शब्द है चीयरफुल, ऑलवेज स्माइलिंग. आई एम ऑलवेज चीयरफुल. तो चीयरफुल मीन्स आप किसी को, कोई कोई लोग आपको मिलते हैं ऐसे जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं, हमेशा चीयरफुल रहते हैं. उनको देख के ही आपको लगता है कि वो हंस सकता, वो इतना खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ. और कोई आदमी इतना चेयरफुल होता है कि आसपास के लोगों को भी वो वैसा ही इमोशन में डाल देता है. तो इफ़ यू फाइंड अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी और ऑलवेज बड़बड़ करता जा रहा है और लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है खुश रहने का, तो हम कह सकते हैं ही हैज़ अ चेयरफुल पर्सनैलिटी और ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल, ऑलवेज हैप्पी. सो दिस इमोशन शोज अ ब्राइट साइड ऑफ अ पर्सन. ये इमोशन जो दिखा रहा है उसका, वो ब्राइट साइड दिखा रहा है कि उसकी खुशी दिखाता है हमेशा. चौथा है कन्फ्यूज्ड. अब आपको कुछ मैं समझा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके चेहरे पे मुझे मालूम चल जाएगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो वो कन्फ्यूज्ड लुक है, वो इमोशन दिखा रहा है. आपको कोई बताने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू गेट इट. व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट इट, दैट लुक कम्स ऑन योर फेस. सो हम कह सकते हैं ही इज, आई थिंक ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग. कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, लेक्चर में बैठ तो जाते हैं लेकिन वो लेक्चर कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगर उनको सब्जेक्ट पसंद वाला है तो शायद उनको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन जब पसंद वाला सब्जेक्ट नहीं है तो सारा उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाता है. सो हम कह सकते हैं कि ही इज़ गिविंग अ कन्फ्यूज लुक, आई थिंक ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड अ वर्ड. सो कन्फ्यूज लुक तब भी हो सकता है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है. कन्फ्यूज लुक अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मैं करूँ क्या, तब भी मैं कन्फ्यूज लुक देती हूँ. सो हमारा इमोशन जो होता है, वो हमारा अंदर की भावना जो होती है, वो टोटली कन्फ्यूज रहती है. सो वो जो लुक दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज कन्फ्यूज लुक. पांचवा है जेलस, ईर्षा. अब ईर्षा हर क्षेत्र में ईर्षा दिखेगी आपको. दो दोस्तों में ईर्षा दिखती है, कंपनी में ईर्षा दिखती है. ये जो जेलेसी फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इमोशंस, हमारे अंदर की भावना है. ये जेलेसी तभी आएगी जब आप किसी के साथ कंपटीशन में हैं. आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके साथ वाले को प्रमोशन मिल रहा है, आपके साथ वाले को पेमेंट में हाइक मिल रही है, आपको ईर्षा तो होगी. अगर आपके साथ वाले को, पहचान वाले को कोई ज़्यादा महत्व दे रहा है, तब भी ईर्षा होती है. ये ईर्षा जो शब्द है, जो जेलेसी शब्द है, ये हर जगह आपको दिखेगा. ये जेलेसी फैक्टर जो है, जो इमोशन ऑफ जेलेसी, इज़ वेरी वेरी कॉमन. और ये जो लुक दिखाता है, जो जेलेसी फैक्टर दिखाता है, दैट इज़ वन ऑफ द एडजेक्टिव विच कैन वी कैन यूज एज जेलेस. ही इज़ अ वेरी जेलेस पर्सन, ही कैन नॉट स्टैंड माई गेटिंग प्रमोटेड, ही कैन नॉट टेक माई प्रमोशन पॉजिटिवली. सो ही इज़ अ वेरी जेलेस पर्सन. सो यहाँ पर हम कौन सा इमोशन देख रहे हैं? ईर्षा का इमोशन देख रहे हैं. छठवा, करेजियस, बहुत हिम्मत वाला. सो ही इज सच अ करेजियस पर्सन दैट ही हैज़ क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट ऑल्सो. सी, माउंट एवरेस्ट में जाना आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत करेज लगता है. सो जिस जो आदमी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाता है कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, तब हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी करेजियस पर्सन. और जो करेज है, ये जो हिम्मत की भावना है, वो हमारे दिल से ही आती है. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमोशंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट. सातवा है काम. यहाँ एल साइलेंट है, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे काम. सो काम मीन्स शांत,
बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो कभी गुस्सा भी नहीं होते हैं या कभी नाराज नहीं होते हैं, होते होंगे तो भी दिखाते नहीं हैं। तो उनकी जो बेसिक पर्सनालिटी होती है वो शांत स्वभाव की होती है, और वो जो शांत स्वभाव जो है, जो इमोशंस उनका शांत का है, वो उनके चेहरे पे भी दिखता है। सो ही हैज़ अ वेरी काम एंड कूल पर्सनालिटी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं कह रही हूँ कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तिमत्व है, बहुत शांत है। सो ही रिमेन काम। व्हेन आई गेव द एग्जाम्पल हियर, रिमेन काम, डोंट बिकम नर्वस, तो तब हम दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, नर्वस भी और काम भी। आठवां शब्द है एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स एक्साइटमेंट में बहुत कुछ कर जाते हैं। एक्साइटेड, मुझे कोई न्यूज़ मिली तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, या किसी ने बोला चलो आज हम पिकनिक पे चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको होती है। ये जो एक्साइटमेंट है, खुशी की भावना है या स्फूर्ति की भावना है, ये भावना भी एक इमोशन दिखा रही है। तो ये जो भावना है ये सब में नहीं आती है। ये एक्साइटमेंट बहुत कम लोगों में आता है, जो हमेशा एकदम एक्साइटेड रहते हैं, स्फूर्ति से रहते हैं और खुश रहते हैं, और इस एक्साइटमेंट में वो हर काम कर डालते हैं। तो ये जो एक्साइटेड है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन ही हर्ड दैट वी आर ऑल गोइंग फॉर अ हाइकिंग और अ पिकनिक। सो जब पिकनिक की बात हुई तो मैक्सिमम लोग पूरे एक्साइटेड हो गए। तो ये जब हम इमोशन दिखा रहे हैं तब हम ये एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एक्साइटेड। नौवा है एम्बेरस्ड, झेंप जाना। एम्बेरसमेंट होता है मतलब मैं कुछ झेंप जाती हूँ। सो झेंपना क्या होता है, एम्बेरसिंग क्या होता है? सपोज आप ग्रुप में बैठे हैं और ग्रुप में सारे फ्रेंड्स आपको टारगेट कर रहे हैं और आपको चिढ़ा रहे हैं, तो यू फील कि मैं कहाँ देखूँ, मैं झेंप जाती हूँ, यहाँ वहाँ देखूँ, या मुझे शर्म भी आ रही है और मैं कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। तब हम कहते हैं कि ही इज़ एम्बेरस्ड, प्लीज़ डोंट टीज हिम नाउ। सो व्हेन आई से दिस सेंटेंस, मैं बता रही हूँ कि वो झेंप गया है, वो शर्म के मारे यहाँ वहाँ देख भी नहीं पा रहा है, आप उसको चिढ़ाओ मत। सो दैट इज़ द फीलिंग। वो भी अंदर से एक फीलिंग आती है कि जब मैं शर्मा जाता हूँ या शर्मा जाती हूँ, या मुझे कुछ टारगेट कर रहा है या मुझे कुछ चिढ़ा रहा है, या सच में मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहा है और मैं एकदम ब्लश हो रही हूँ। सो दैट इज़ अ एम्बेरसिंग मोमेंट, बहुत शर्म वाली मोमेंट आती है, तो वो हम कह सकते हैं कि एम्बेरस्ड लुक दे रहा है। और दसवां शब्द है फ्राइटेंड। ये भी एक एडजेक्टिव है, वो जो दिखाता है डर। मुझे सपोज कहीं ऐसे डार्क कमरे में रख दिया हो, या मुझे किसी ने ऐसे भूतों वाली स्टोरी सुनाई हो, तो मेरे चेहरे पे ऐसा इमोशन आएगा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, डर लगने लगता है। सपोज बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी नाइट है, बहुत बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है, आप अकेले हो घर पे, तो आप कैसे, आप बहुत डर जाओगे। सो वी गेट फ्राइटेंड, आई ही गेव मी अ फ्राइटेंड लुक। जब मैं ऐसा बोलूँगी तो मैं ऐसा एडजेक्टिव यूज़ कर रही हूँ जो मुझे मेरा डर दिखा रहा है। डर भी एक इमोशन है, जो फीलिंग है अंदर से आती है और वो हमारे चेहरे पे दिख जाती है। सो ये कुछ 10 मैंने आपको एडजेक्टिव्स बताए जो आपके इमोशंस को दर्शाता है। इमोशंस मतलब फीलिंग्स को दर्शाता है। सो यहाँ पर ये शब्द अगर आपको मालूम थे तो आपका एक रिवीजन हो गया है, और नहीं मालूम थे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ज़रूर उनको लिख के रखिए और जब ज़रूरत पड़े आपके सेंटेंसेस पे यूज़ कीजिए। तो ये जो आप सेंटेंसेस यूज़ करेंगे विद डिफरेंट वर्ड्स, इट इज़ गोइंग टू मेक योर इंग्लिश वेरी इफेक्टिव, वेरी कलरफुल, एंड पीपल विल लाइक टू हियर यू मोर। तो आपको चाहिए कि लोग आपको सुने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए शब्द इस्तेमाल करें। तो आज के एडजेक्टिव्स आपको कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक बटन दबाइए। आज के लिए काफ़ी है। बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।